वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच पर। फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ग्रामर बेस्ड PYQ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। हम सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स। बी बार डेट डेस टाइम फॉर द ट्रेन, तो फ्रेंड्स इसमें सही जो प्रीपोजिशन है वो क्या होगी फ्रेंड्स? ऑन, एट, इन, ड्यूरिंग। फ्रेंड्स वैसे तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा एट, लेकिन जो हमारा यूपी का जो बोर्ड है उसने इसे ऐप की श्रेणी में रखा है, यानी जो चैन बोर्ड है तो उसने इसे ऐप की श्रेणी में रखा है, लेकिन राइट आंसर इसका जो है वो एट होगा। बी बार एट टाइम फॉर द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। बी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डेट डज सेवरल पार्ट्स, तो देखिए फ्रेंड्स अगर ये दो लोगों में बंटती तो बिटवीन हो जाता, दो से अधिक में बंटती तो एमंग उठ जाता। चूँकि ये प्रॉपर्टी है वो इसके सारे हिस्से बटना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। द गॉड मैरिड डेट डेस 17, तो क्या आएगा? एबव आएगा, ऑन आएगा, इनटू आएगा, एट आएगा। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तो उसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए द गेट गॉट मैरिड एक अवस्था है, तो किसी निश्चित अवस्था के लिए हम लगाते हैं एट, एट जो भी एज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट डेट डस्ट एनी एक्सक्यूज, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? इन होगा, ऑफ होगा, फॉर होगा या टू होगा, क्या होगा फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स एडमिट जो है अपने साथ फ्रेंड्स टू लेता है, एडमिट टू, क्या लेता है? एडमिट टू। आगे हम बात कर लेते हैं। सम ट्रेन रन डेट डस इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ट्रेनें जो हैं वो बिजली से चलती हैं, तो यहाँ से के लिए क्या लगाएंगे फ्रेंड? तो राइट प्रीपोजिशन इसमें क्या होगा? क्या फ्रॉम होगा, ऑन होगा, विद होगा या बाई होगा? तो फ्रेंड यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो ट्रेन रन करती है वो बाई, रन बाई, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कीप क्लियर डेट डस विक्ट बॉयज, तो फ्रेंड्स देखिए कीप क्लियर के लिए जो राइट प्रीपोजिशन होगा क्या होगा? ऑफ होगा, फ्रॉम होगा, आउट होगा, विद होगा, क्या होगा फ्रेंड्स? तो यहाँ हम जाएंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 के साथ, ऑफ होगा। तो कीप क्लियर ऑफ, ठीक है, किसी चीज़ से दूर होना, तो बुरे सॉरी किसी पर्सन से दूर होने के लिए ऑफ आएगा। अब फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बस क्रैश्ड डेड डस अ कार, क्या आएगा फ्रेंड्स? टू, इनटू, विद, अगेंस्ट, तो इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? तो देखिए जब क्रैश्ड शब्द आएगा तो ये अपने साथ में इनटू लेगा फ्रेंड्स, और जब कोलिड शब्द आएगा तो ये अपने साथ में फ्रेंड्स विद लेगा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो वो क्या होगा? वो राइट आंसर होगा हमारा इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन आ गया, ए बस कोलिडेड डेट डस ए कार, तो टू नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, विद आएगा, इनटू नहीं आएगा, क्योंकि जो है इनटू कहाँ आता है? हम ये अभी आपको बताया था जब क्रैश की बात हो तब इनटू आता है, और जब कोलिडेड की बात हो तो फ्रेंड्स क्या आता है? विद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। द पुलिस एक्यूज्ड द यंग मैन डेट डस मर्डर, तो देखिए एक्यूज जो है वो अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? ऑफ लेता है, विद लेता है, अबाउट लेता है या फॉर लेता है? तो फ्रेंड्स एक्यूज अपने साथ में डेफिनेटली ऑफ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स।
आई कैन टेस्टिफाई डेट डस दिस मैंस वेरासिटी एंड गुड कैरेक्टर, तो अपने साथ में क्या लेगा, फॉर, अबाउट, अगेंस्ट, टू। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 में हम किसके साथ जाएंगे, तो देखिए टेस्टिफाई, अब ये देखिए मैंस वेरासिटी उसके करेक्टर के खिलाफ जाएगी तो क्या होगा, अगेंस्ट। यहाँ कुछ एक्टिव बॉयस और पैसिव बॉयस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो उन पर चर्चा करेंगे। दे आर प्रिपेयरिंग द पेपर्स नाउ, इसका पैसिव कैसे बनाएगा। तो फ्रेंड इसका पहले मैं स्ट्रक्चर आपको समझा दूँ, तो इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, देखें फ्रेंड्स, जो ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स अपने साथ में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस एज एम आर और प्लस बीइंग बीइंग और बी थ्री। तो अब आप देख लें, द पेपर कैन बी बिल्कुल नहीं होगा, द पेपर्स विल बी प्रिपेयर्ड बिल्कुल नहीं होगा, द पेपर्स आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड नाउ बिल्कुल नहीं होगा, द पेपर्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड नाउ। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, हम डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं फ्रेंड्स, ओपन द डोर, फ्रेंड्स ओपन द डोर, तो ओपन द डोर फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। लेट द डोर बी ओपन, लेट अस ओपन द डोर मे बी ओपन, द डोर इज ओपन। तो फ्रेंड इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस बी और प्लस बी थ्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो देख लें यहाँ पर, लेट अस ओपन द डोर या लेट द डोर बी ओपन, तो फ्रेंड्स ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 में ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है हु कैन सेव अवर कंट्री, तो हुम कैन सेव्ड अवर कंट्री, बाई हुम कैन अवर कंट्री बी सेव्ड, हु कैन अवर कंट्री सेव, बाई हुम अवर कंट्री कैन बी सेव्ड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, बाई हुम कैन अवर कंट्री बी सेव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं फ्रेंड्स, द प्रेजिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, तो फ्रेंड्स द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट, ही वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट, ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेजिडेंट या नन ऑफ देम। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेजिडेंट। फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो हिम था तो हमने वो ले लिया, इसके बाद में बाज बर, यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो बाज बर का प्रयोग होगा, तो बाज का प्रयोग कर लिया, और बी थ्री तो बी थ्री का प्रयोग हो गया, फिर इसका जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो ले लिया हमने फ्रेंड्स, इसके बाद में बाई लगाकर सब्जेक्ट का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 15, पे दैट बिल एडवांस, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यू शुड पे दैट बिल एडवांस, दैट बिल शुड बी पेड एडवांस, लेट दैट बी दैट बिल बी पेड एडवांस, यू आर एडवाइज टू पे दैट बिल। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो लेट से बनते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और बी थ्री। तो फ्रेंड्स लेट दैट विल बी, यही इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स हमें
अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं ये सेशन आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। और फ्रेंड्स, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेहतरीन और लाजवाब लिटरेचर और लैंग्वेज की ज़बरदस्त क्लास आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहीं मिलेगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।